यहाँ पर पूरे पाकिस्तान से लोग इकट्ठे होकर आ रहे हैं। आज हमने किसी से अपने मुतालबात मनवा कर ही जाना है। नो वायलेशन नो डिस्क्रिमिनेशन, नो वायलेशन नो डिस्क्रिमिनेशन। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वो अपनी अपनी सीटों पे बैठे, और जो अहबाब आ रहे हैं अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से, उर्दू यूनिवर्सिटी से, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी से, नमल यूनिवर्सिटी से, पिशावर से, आजाद कश्मीर से, कराची से, सिंध की जामिया से, पंजाब यूनिवर्सिटी से, फैसलाबाद से, हम सबको वेलकम करते हैं। डॉक्टर उस्मान यूनिवर्सिटी आप मालाकंड से जी, पिछले 1.5-2 साल से जो स्ट्रगल चल रही है अपुप्टा की तरफ से सर्वे स्ट्रक्चर बीपीएस फैकल्टी मेंबर्स की सर्वे स्ट्रक्चर के लिए, तो आज से ये एहतजाजी मुहिम का आगाज़ हो रहा है और हम HEC के सामने यहाँ पे धरना लगाए बैठे हैं। तो साथ ही तमाम यूनिवर्सिटियों से वो पहुँच रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान से, सिंध से, कराची से हमारे दोस्त पहुँच चुके हैं, मालाकंड यूनिवर्सिटी, कोहाट यूनिवर्सिटी, जितने भी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पे आ रहे हैं। तो जितने भी हमारे फैकल्टी मेंबरान हैं पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ की, BPS असातिज़ा हैं, तो उनसे दरख्वास्त है कि जी वो कोशिश करें जल्दी पहुँचें, और इस एहतजाज का आगाज़ हुआ चाहता है, बस आपके आने की देर है, और इंशाल्लाह हम बाकायदा फिर इसका आगाज़ करेंगे, और हम उस वक्त तक यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक हमारे ये मुतालबात जो है HEC तस्लीम ना करे। आज का जो प्रोटेस्ट है वो यूनिवर्सिटी टीचर्स के BPS उसातज़ा की सर्विस स्ट्रक्चर की एक प्रोविज़न के लिए किया जा रहा है, और हम पिछले तकरीबन 2 सालों से HEC के साथ मुख्तलिफ़ फोरम्स के ऊपर एंगेज रहे हैं, मुख्तलिफ़ मीटिंग्स के ज़रिए, जिसमें हमने उनके साथ सर्विस स्ट्रक्चर की प्रोविज़न के लिए बातचीत करने की कोशिश की, और HEC ने हमसे कमिट किया। इवन मार्च में हमारे उनके प्रोटेस्ट के नतीजे में उन्होंने हमारे साथ एक एग्रीमेंट साइन किया, इसमें उन्होंने हमें मई तक एक सर्विस स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना था, और उसके बाद चूँकि वो प्रोवाइड नहीं किया गया, और ये मसला इस वक्त कौमी असम्बली की कायमा कमेटी और सेनेट की एजुकेशनल स्टैंडिंग कमेटी में भी इस वक्त ज़ैर बहस है, और वहाँ से भी HEC को ये कहा गया कि आप इनको सर्विस स्ट्रक्चर प्रोवाइड करें, लेकिन उसमें देर की वजह से इस वक्त उस यूनिवर्सिटी उसातज़ा में बहुत सख्त बेचैनी पाई जाती है, और ये तकरीबन 40,000 उसातज़ा का बुनियादी हक मुतासर हो रहा है इस प्रोविज़न के ना होने की वजह से, जिसकी वजह से आज हम एक रिमाइंडर के तौर पर HEC के सामने जमा हुए हैं ताकि उनको याद दहानी कराई जाए कि वादे पूरे भी किए जाने चाहिए। डॉक्टर इकबाल अहमद, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। हम आज यहाँ पे जमा हैं HEC की डिस्क्रिमिनेटिव पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ जो इन्होंने BPS फैकल्टी के साथ की हुई हैं। हम जस्ट जो है ना अपनी प्रमोशन पॉलिसी चाहते हैं, सर्विस स्ट्रक्चर चाहते हैं। हम वाइस चांसलर या किसी और के मोहताज नहीं बनना चाहते, बल्कि जिस तरह पूरे पाकिस्तान में तमाम गवर्नमेंट एम्प्लॉज़ के सर्विस स्ट्रक्चर हैं, तो BPS फैकल्टी के लिए भी सर्विस स्ट्रक्चर होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। हमारा वफद गिलगित बल्तिस्तान की रिप्रेजेंटेशन कर रहे इधर, हमारा भी यही कॉमन वो है, मकसद है कि BPS फैकल्टी के लिए सर्विस स्ट्रक्चर बने और प्रॉपर प्रमोशन पॉलिसी बने, जो कि HEC के सेक्शन 10Q के मुताबिक ये हमें ये हक देता है कि हमारी वक्त पे प्रमोशन हो, और इसके लिए कोई प्रॉपर पॉलिसी हो। HEC ने अब तक इस मामले में जब से ये यूनिवर्सिटी बनी है इस पे कोई अमल दरामद नहीं की। इसमें इस सिलसिले में हमने कई मीटिंगें 2019 से अब तक कोई 30 के करीब मीटिंग्स हुई हैं इस मामले पे। ये आज करेंगे, कल, इवन पिछले मार्च में इन्होंने रिटर्न भी दिया, उसके बावजूद भी अभी तक कोई पेशरफ नहीं हुई। बार बार इनको याद दहानी कराने के बावजूद इन्होंने कुछ नहीं किया, तो हम आज मजबूरन HEC के सामने यहाँ धरने के लिए जमा हो गए। इंशाल्लाह जब तक ये मुतालबात पूरे नहीं होते हम यहाँ से नहीं जाएंगे। मेरा नाम डॉक्टर साद कासिम है, मैं सेक्रेटरी NED टीचर्स एसोसिएशन हूँ, और मैं इस वक्त यहाँ अपुप्टा के एहतजाज में शामिल हूँ जो कि 14 दिसंबर 2022 को यहाँ HEC के सामने किया जा रहा है। और हमारे एहतजाज की वजह ये है कि HEC ने हमसे मुआहदा करने के बाद उससे रूगरदानी की है, उसकी खिलाफ वर्जी की है। HEC ने हमसे मार्च में मुआहदा किया था 2022 में कि वो सर्विस स्ट्रक्चर BPS टीचर्स के लिए बहाल करेगी, लेकिन उसके बावजूद कई दफ़ा उनको बताने के बावजूद वो अपनी रविश जो है उसको बदल नहीं रहे, और अभी तक जितने भी यूनिवर्सिटी टीचर्स हैं, 40,000 यूनिवर्सिटी के टीचर्स हैं जो BPS स्ट्रक्चर में आते हैं, उनके लिए कोई सर्विस स्ट्रक्चर नहीं है।
जिससे उन टीचर्स की प्रमोशंस का एक इशू क्रिएट हुआ हुआ है और बहुत सारे टीचर्स हैं जो एक ही पोस्ट में रह के रिटायर हो जाते हैं, 15-20 साल एक ही पोस्ट में रहते हैं। तो हमारा एहतजाज इसके लिए है और हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए जिसके सामने आज जमा हुए। आज एपुपटा का जो प्रोटेस्ट है तो ये सर्विस स्ट्रक्चर पॉलिसी के हवाले से जो स्ट्रगल हमने शुरू किया है पिछले 3 सालों में, निगोशिएशन हमने बहुत की है, कमेटियाँ बहुत बनी है, मुख्तलिफ हायर फोरम्स में ये मसला हाईलाइट हुआ है। चेयरमैन HEC और HEC के ऑफिशल ने ऑलरेडी कमिटमेंट की है कि इस मसले को हम हल करेंगे, लेकिन वो जस्ट वादे साबित हो रहे हैं और अभी तक 40,000 BPS फैकल्टीज के सर्विस स्ट्रक्चर के हवाले से कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुई है। तो प्रोटेस्ट का मकसद ये है कि HEC को हम उनके वादे याद दिलाएं और उनको बताएं कि ये जो 40,000 फैकल्टी है उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन और डिप्राइवेशन हो रही है तो उनके लिए ये पॉलिसी मस्ट है और जब तक उसकी नोटिफिकेशन नहीं होती तो हम इस प्रोटेस्ट को कंटिन्यू रखेंगे। मदनी साहब आपका शुक्रिया और आपके चैनल भैया का भी शुक्रिया कि आप हमें कवरेज करने के लिए आए हो। एक्चुअली मैं डॉक्टर इम्तियाज़ हूँ और इस एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ आल पाकिस्तान BPS टीचर एसोसिएशन। मसला ये है कि 20-22 साल हो गए HEC बन गई है लेकिन जो मकसद के लिए बनाई गई है वो मकसद पूरा नहीं कर रहा है, क्योंकि टीचर्स की अपॉइंटमेंट और प्रमोशन इसका बुनियादी ड्यूटीज़ में आता है। उसने अभी तक उसको न सुना न समझा और न उस पर गौर कर रहे हैं, तो उसके ख़िलाफ़ हमने 3 साल से आवाज़ बुलंद की है कि इस तरह के हरबे मत आजमाओ, हमें मत धकेलो सड़कों पे, लेकिन हम अपना हक लेने के लिए यहाँ तक आए हैं। इसके लिए कोई लेजिस्लेशन या कोई कानून साजी की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑर्डीनेंस जिस पर किसी बनी है उसके मुताबिक हमें इस प्रमोशन और स्ट्रक्चर का राइट हासिल है। तो हम उसी को लेने आए हैं। बहुत सारे लोग आ रहे हैं आल पाकिस्तान से, जो तकरीबन 2-4 हज़ार से तवक्को है कि इससे ज़्यादा लोग आएँ और इस हक को इस दफ़ा लेके जाएंगे, क्योंकि पिछली दफ़ा जितनी बार भी हम आए 35 से ज़्यादा मीटिंग की, लेकिन ये टरहाते रहे हमको। और हम टीचर्स तो हैं, हम अपनी ड्यूटीज़ करते हैं तो हम अपना राइट्स भी समझते हैं। मेरा नाम डॉक्टर कामरान ज़करिया है, NED यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन का प्रेजिडेंट हूँ मैं। और यहाँ जो एहतजाज हो रहा है उसकी बुनियादी वजह यूनिवर्सिटीज़, असल में यूनिवर्सिटीज़ जो है ना वो बुनियादी किरदार अदा करती हैं किसी माशरे को दुरुस्त करने के लिए। एक बहुत बड़ी ताकत है यूनिवर्सिटीज़ के, जो हमारा बिगड़ा हुआ माशरा है उसको दुरुस्त सिमत में लाने के लिए यूनिवर्सिटीज़ को सही से होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर असल मंजूर नज़र अफराद को ज़्यादा नवाजा जा रहा है और इंसाफ नहीं है, टीचर्स के साथ इंसाफ नहीं है। तो उसको इंसाफ को दोबारा दिलाने के लिए हम ये जद्दोजहद कर रहे हैं कि हमारे एक स्टेच्यूज़ बन जाएँ, जिस तरह नॉन टीचिंग के स्टेच्यूज़ होते हैं, जिस तरह दूसरे गवर्नमेंट मुलाजमीन के स्टेच्यूज़ होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यूनिवर्सिटी असाज़ा के कोई स्टेच्यूज़ नहीं बनाए गए अब तक, जो कि 2001 में 1Q के तहत कहा गया था गवर्नमेंट ने कि अपने स्टेच्यूज़ तैयार करें, लेकिन अब तक स्टेच्यूज़ उन्होंने तैयार नहीं किए। और अभी ऐसे चल रहा है सिस्टम के 15-15 साल से लोग एक ही ओहदे पर बैठे हुए हैं, कोई 20 साल से बैठा हुआ है, कोई 25 साल से बैठा हुआ है, उनको तरक्कियाँ नहीं मिल रही। तो उनके इंसाफ के लिए हम ये एहतियात कर रहे हैं कि स्टेच्यूज डिज़ाइन किए जाएं फौरी तौर पर। और HEC से हमारी तकरीबन 35 बार मीटिंग्स हो चुकी हैं और उन्होंने लास्ट टाइम हमारा एक्सेप्ट भी किया था और मुआहदा भी किया था, लेकिन मुआहदा करने के बावजूद जो है मुकर गए। और फिर उसके बाद हम अदालत में भी लोग जा रहे हैं कि इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी आप क्यों कर रहे हैं। तो इसके लिए फिर हम ये दोबारा एहतियात कर रहे हैं। आज की बुनियादी वजह ये है आज के एहतियात की। Just promotion. No committee. Just promotion. No negotiation. Just promotion. No discrimination. Just promotion. No discrimination. Just promotion. FTC. No manzoor. FTC. No manzoor. FTC की policy. No manzoor.